एवरीवन, माय नेम इज तोशल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेयर प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम। हम में से हर किसी का जो है एक प्रॉब्लम कॉमन है, वो है हेयर प्रॉब्लम। तो किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल रफ हो चुके हैं, किसी के बाल डैमेज हो गए हैं, किसी के बालों से जो है शाइन चली गई है, सॉफ्टनेस चली गई है। तो इन सारी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वाले वीडियो पे। प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत दिनों से एक क्वेश्चन आ रहे थे कि पोशली आप अपने बालों के लिए क्या करते हो, आप अपने बालों में क्या क्या यूज करते हो, आप अपनी हेयर केयर रूटीन बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हाँ, मैं कुछ कुछ चीज करती हूँ अपने बालों के लिए, लेकिन मैं जो भी करती हूँ मैं घर पर करती हूँ, मैं पार्लर जाके कुछ नहीं करती हूँ। तो एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने इस वाले वीडियो में सिर्फ मेरी हेयर मास्क जो मैं यूज करती हूँ मैं वो आप लोगों तो शेयर करूंगी। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सब कुछ आपको आपके किचन पर जो है आराम से मिल जाएगी। वाला जो हेयर मास्क है ये सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों भी यूज कर सकते हैं। हेयर मास्क को यूज करने के बाद फर्क आपको दिखेगी। और ये जो हेयर मास्क है आपको महीनों में दो बार तो मिनिमम यूज करनी है, हाँ, तभी आपको जो है रिजल्ट अच्छी रिजल्ट मिलेगी। एक यूज में ही आपको फर्क पता चलेगी, फर्क आपको दिखेगी। यस, महीनों में अगर आप दो बार कम से कम यूज करते हो तो आपके बाल शाइन चली गई है, जो फ्रीजीनेस आ गई है, जो डैमेज हो गई है, जो आपके बालों में जो है बालों जो है झड़ रही है, वो सब कुछ जो है बहुत हद तक जो है कम हो जाएगी। आपके बाल जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, आपके बालों में जो है एक शाइन आएगी, नेचुरली एक शाइन जो है जो चली गई है। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो है छोटू सा बेल आइकन उसको भी जरूर हिट कर दीजिए, तो आप मेरी आने वाले हर एक वीडियो के जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगी। और ये जो है बिल्कुल फ्री है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी सीरियसली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। बनाने के लिए हमें पहले लगेगी कर्ड यानी कि दही, जो हमारी हेयर को हेल्दी, सिल्की, डैंड्रफ फ्री, स्मूथ करने में मदद करे। बाद हम लेंगे एक एग। एग हमारी स्किन और हेयर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैटी एसिड एंड विटामिन्स, जो कि हमारी हेयर को नरिशमेंट देती है एंड डैमेज फ्री बनाने में हेल्प करती है। इसको हम अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक लेमन। लेमन में है विटामिन सी, जो हमारे स्कैल्प से ऑयल को रिड्यूस करने में मदद करते हैं एंड स्कैल्प को डैंड्रफ फ्री बनाने में भी मदद करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लेंगे हनी, ये जो है प्योर हनी है। तो हनी ग्रेट हेयर मॉइस्चराइज़र है, हम सभी जानते हैं, ये हमारे हेयर में जो है एक शाइन ऐड करते हैं। तो इसको हम मिक्स करते हैं। तो इसके बाद हम लेंगे कोकोनट ऑयल। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल है आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप आलमंड ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल हमारी हेयर को स्ट्रॉन्ग एंड नरिश बनाने में मदद करते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ अ नेचुरल वे टू हेल्प योर हेयर ग्रो लॉन्गर, थिकर एंड फास्टर। उसके बाद हम लेंगे विटामिन ई कैप्सूल। हमारी हेल्दी स्कैल्प एंड हेयर के लिए मानी जाती है। इट हैज़ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी मानी जाती है। इजी डैमेज अनमैनेजेबल हेयर को भी शाइनी करने में मदद करते हैं। तो हमारी हेयर पैक जो है रेडी है। तो आपने देख लिया मेरा हेयर लेंथ, इसके बाद मैंने मिडिल पार्टीशन कर लिया है मेरे हेयर को। अब जो है मैं इसको अप्लाई करूँगी मेरे हेयर पर। तो आप धीरे धीरे करके अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो पैक है थोड़ी बहुत रनी है। इस तरह से आपको आपकी स्कैल्प में भी लगानी है इसे। मेरी हेयर मास्क जो है मैं फर्स्ट टाइम मैं खुद लगा रही हूँ, नहीं तो मेरी माँ मुझे लगा देती है। थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैं खुद लगा रही हूँ। तो आपने देख लिया मैंने लगा लिया है मेरे। आप लोगों को पसंद आई आज की वीडियो, अगर आई है तो प्लीज एक लाइक कर दो यार, और शेयर करो मेरे वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और प्लीज कमेंट्स पर बताना आप लोगों को कैसे लगी है वाला वीडियो। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।